हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड का गुलाब जामुन, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, फटाफट से बन सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 8 ब्रेड ले लिए हैं, ब्रेड के स्लाइस, और इनके जो किनारे के ब्राउन भाग होते हैं उन्हें हमने कट करके निकाल दिया है। तो जो भाग को आपने कट करके निकाला है उन्हें आप बेकार समझ के फेंकिएगा नहीं, उनका आप ब्रेड का हलवा बना सकते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी रेसिपी आपको दे दूँगी, तो वहाँ से आप ब्रेड का हलवा बना सकते हो। और इसके अलावा 1 कप हमने लिया है मलाई वाला दूध, 1 कप शुगर, 1 कप देसी घी, 1/4 छोटे चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आप अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काजू ली हूँ, इन्हें छोटा छोटा कट कर ली हूँ। और अगर आप गुलाब जामुन के अंदर कलर देना चाहते हो तो कोई भी फूड कलर जो आपको देना है वो ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर ले लिया है। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ब्रेड है इनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, तो इसे आप हाथ से भी कर सकते हो और आप इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हो। तो चलिए आज हम इन्हें हाथ से ही करके दिखाएंगे आपको। और वहीं दूसरी ओर हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो 1 कप शुगर मैंने लिया है और इसी कप से हम 1 कप या जो भी आप नाप रखते हैं, कोई कटोरी रखते हैं तो उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी भी ले लेना है आपको। तो मैंने अपनी चाशनी को गैस पे चढ़ा दिया है, गैस भी हमने ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम रखा है, 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी डाल के। तो चलिए अब अपने हम ब्रेड को तैयार करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें अपने ब्रेड को तोड़ लेना है, बिल्कुल बारीक क्रश करते हुए, और ये हाथों से भी काफ़ी इजीली हो जाते हैं, बट अगर आप चाहें तो इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो सेम तरीके से हम सारे ब्रेड को इस तरीके से तोड़ लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे। दूध को आपको बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का, यानी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इकट्ठे सारा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के आप इन्हें मिक्स करते जाएँ। बिल्कुल सॉफ्ट डो की तरह हमें इसे बना लेना होगा। तो ये देखिए, हमारा डो तैयार हो चुका है, तो हम इसे साइड में रखेंगे। और इतना हमारा दूध बच ही गया है, यानी आधा कप ही दूध लगा है इसमें, तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारी चाशनी भी उबलनी शुरू हो चुकी है, तो 5 मिनट हमें इसे बॉईल करना है। इसके बाद हम इस पर अपनी कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें हम गुलाब जामुन को तलेंगे। हमारे पास ये जो इलायची पाउडर है इसे अपने चाशनी में हम ऐड कर देंगे। तो अब मैं ये जो हमारे पास काजू है इसमें 1 पिंच फूड कलर ऐड कर रही हूँ, येलो फूड कलर, आप कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हो। और अब हम इसमें 1 से 2 बूंद पानी डालेंगे और इन्हें अपने हाथों से ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो कलर है वो सारे काजू में अच्छे तरीके से लग जाए। तो थोड़ा सा मैं पानी और डाल देती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ज़रा सा, और इन्हें अपने हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारे काजू तैयार हो चुके हैं स्टफिंग के लिए अंदर। तो अब हम अपने हाथों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, यानी हाथों में कलर नहीं लगा होना चाहिए, वरना आपके गुलाब जामुन पे ऊपर भी कलर लग जाएगा। तो अब हम हाथों को अपने साफ कर लेते हैं। और 5 मिनट तक चाशनी उबल चुकी है, तो अब हम इस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और घी डाल रहे हैं यहाँ पर। तो घी हमारा गर्म हो रहा है, तब तक अपने बॉल्स बना लेते हैं गुलाब जामुन के लिए। तो चिकनाई के लिए हाथों में हम हल्का सा घी लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथों में हल्का सा घी लगा लिए हैं, और अब छोटे छोटे बॉल्स, जिस साइज़ के आप चाहते हो गुलाब जामुन बनाना उस साइज़ के बॉल्स बना लीजिए हल्के हाथों से। और अब हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। तो चम्मच से मैं काजू को उठाऊँगी, छोटे से टुकड़े को, और इसके अंदर डाल देंगे, और फिर इन्हें हम ऐसे कवर कर देंगे। कवर करते हुए फिर से इन्हें हमें बॉल्स का रूप दे देना है। बहुत ही इजीली ये गुलाब जामुन तैयार हो जाता है दोस्तों, और आप जब चाहे तब बना सकते हो, इसमें कोई झंझट नहीं होता मैदे खोए का, और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो ये लीजिए, हमारे बॉल्स भी तैयार हो चुके हैं, और इन्हें हम साइड में रखते जाएंगे। घी भी हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हम अपने सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे सेम तरीके से स्टफिंग करते हुए। और अब हम इसे अच्छे से फिर से कवर करेंगे। अगर हाथों में हल्का कलर लग गया है तो आप इसे साफ कर लीजिए, और इस तरीके से फिर से हम बॉल्स बना लेंगे।
तो ये देखिए हमारे सारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं, पूरे 10 पीस गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। और हम अपना घी चेक कर लेते हैं। घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। और अब हम अपने गुलाब जामुन को इसमें डालते जाएंगे। आप देसी घी के जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जो कुकिंग ऑयल आप खाने में यूज़ करते हो, बट हमने यहाँ देसी घी डाला है। देसी घी से स्वाद बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट आता है। और इन बॉल्स को आपको बहुत ही आसानी के साथ, यानी बहुत ही धीमे धीमे आराम से उलट पलट करना है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बिल्कुल हाई नहीं करना है आपको, मीडियम से थोड़ा कम ही रखना है। तो ये देखिए ये बॉल्स चारों तरफ से अच्छे ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। साइज भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है इनकी। तो अब बाकी के गुलाब जामुन भी हम इसमें डाल देंगे तलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये हमारी चाशनी जो थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो हम इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर रहे हैं। और फ्लेम को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं और इन्हें थोड़ा बॉईल होने देंगे। तो हमारी चाशनी अब उबलने लगी है और हम ये जो पहले के हमारे गुलाब जामुन है इन्हें चाशनी के अंदर डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक हम लो फ्लेम पे चाशनी के अंदर अपने गुलाब जामुन को पकाएंगे। तो ये हमारे गुलाब जामुन भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं, गैस को हमने बंद कर दिया है। इन्हें भी हम बाहर निकाल लेंगे और 1 मिनट के बाद इन्हें हम चाशनी के अंदर डालेंगे। तो अब हम इन्हें भी चाशनी के अंदर डाल देंगे। और ये देखिए आप, हमारे गुलाब जामुन भी खिलने शुरू हो चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं। तो इन्हें हम 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि चाशनी अंदर अंदर तक चली जाए। और इन्हें बीच बीच में हम थोड़ा इस तरीके से घुमा देंगे। तो अब पूरे 7 मिनट हो चुके हैं और हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, तो फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और अब इसे आप सर्व करिए। तो ये देखिए दोस्तों, तैयार है हमारा ब्रेड का गुलाब जामुन, जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।